मैं जो हूँ वो यूपी में बेस्ड हूँ, लखनऊ में बेस्ड हूँ, और जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जो मुझे प्रॉब्लम्स मतलब मैंने देखी हैं अपने हॉस्पिटल में या अपने क्लास में यूजी स्टूडेंट्स में या पीजी स्टूडेंट्स में, तो वो मैं आप सबके सामने रखना चाह रही थी और वो ही डिस्कस करना चाह रही थी। यहाँ मैं जो स्टार्ट करूंगी, जो कि पीपीटी नहीं चल रहा है, तो मैं जो स्टार्ट करूंगी वो एक C20 अभी इवेंट हुआ था, जो कि एक पार्ट है G20 का, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। उसमें हमने प्रेजेंटेशन मतलब हमारा था, दो पोस्टर्स हमने प्रेजेंट किए थे, एक रोल ऑफ रीनल फेलियर, रोल ऑफ होम्योपैथी इन रीनल फेलियर, कि होम्योपैथी का क्या काम होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में, और दूसरा जो पोस्टर था वो था कि कैसे उसको रीनल फेलियर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मैं अभी फर्स्ट पोस्टर की बात करती हूँ कि उसमें करीब हमने 1100 पेशेंट्स का डेटा जो है वो शेयर किया था, जिसमें कि पॉजिटिव रिस्पांस 80% पेशेंट्स में था, और अलग अलग तरह के इसमें सारे तरह के पेशेंट्स थे जिनमें एडी पीकेडी भी था। और लगभग मैं पिछले 20 सालों से मेरे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी कई जगह पे क्लिनिक्स भी थी। 5 साल पहले ही मैंने ये एज अ फैकल्टी जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज में ज्वाइन किया है, बट उससे पहले हम अपनी क्लिनिक चला रहे थे। तो वो टोटल डेटा जो है वो 20 साल का है लगभग, और उसमें अलग अलग तरह की इटियोलॉजी थी, जैसे कि एबीपी केडी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इन सारी वजह जो थी वो उसमें पाई गई कि बहुत सारी वजह हैं जिसमें कि जिससे कि रीनल फेलियर होता है। और जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड थी वो एक्चुअली हमें एक सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्फ्लुएंसा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मलेशिया से, सबसे ज्यादा रीनल फेलियर पेशेंट्स को होम्योपैथी से ट्रीट करने के लिए। और इसके बारे में नेक्स्ट में बताना ये चाहूंगी कि रीनल फेलियर जो एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि जो बाकी की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, या जिनसे कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इस तरह की जो बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, सबका इंसिडेंस कम हुआ है, जबकि रीनल फेलियर का इंसिडेंस बढ़ा है। और अभी ये 16वें नंबर पर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो 16वें नंबर पर है, एंड आगे प्रोजेक्ट किया गया है कि 2040 तक ये 5वें नंबर पर आ जाएगी मेजर किलर्स की अगर हम बात करें तो। और जहां तक मैं अभी प्रिवेंशन की बात कर रही थी कि कैसे इस बीमारी को रोका जाए जो कि बढ़ती चली जा रही है, और हर 10वां इंसान जो भी, हर 10वां आदमी है उसमें कुछ ना कुछ किडनी का प्रॉब्लम निकल रहा है, उसको पाया जा रहा है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने ये पाया कि अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इन दो चीजों को मैनेज कर लिया जाए तो 70% जो पेशेंट्स हैं रीनल फेलियर के उनको बचाया जा सकता है। और जो होलिस्टिक हेल्थ समिट हुआ था C20 का फरीदाबाद में, तो उसमें यही डिस्कशन हुआ था, और मेरा जो मैंने जो अपना इनपुट दिया था, चूंकि पॉलिसी डायलॉग राउंड्स थे, उसमें हम सबको अपना अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी अपनी सजेशंस वगैरह देने थे। तो मेरा यही इनपुट था कि जिस तरह से कोविड के लिए हम लोगों ने काम किया, वैसे ही अगर सब लोग मिल करके और इसके लिए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को टैकल कर लें, तो बहुत सारी, ना सिर्फ रीनल फेलियर बल्कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जैसे सीवीए है, हार्ट अटैक्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी हद तक दूर की जा सकती हैं। और इसके लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है, कुछ महीना पहले मार्च में वर्ल्ड किडनी डे पर हमने एक रथ यात्रा 15 दिन की निकाली थी, जिसका कि उद्घाटन माननीय जो उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री जी हैं उन्होंने किया था, और उसका समापन, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमने जो उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं और उप मुख्यमंत्री हैं श्री ब्रिजेश पाठक जी, हमने उनसे इसका समापन करवाया था उनके घर पर, और उनको भी वो सारी रिपोर्ट सौंपी थी। और अब वो रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक फॉर्म में, हमने एक बुकलेट के फॉर्म में कर लिया है, और उसको
कई सारे जो राज्य हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स के साथ भी शेयर किया है, और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पीएमओ हैं, उनके साथ भी शेयर किया है, क्योंकि इससे प्रिवेंशन से बहुत बहुत ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। सीकेजी किसी को हो गया है तो उसका प्रोग्रेशन बचाया जा सकता है, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि होम्योपैथी का क्या रोल है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के पास सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है। सो अगर ये पीपीटी चल नहीं रहा है, अदरवाइज हम आपको ये सारी चीजें भी दिखाते। उसके अलावा हमने एक रिपोर्ट सबमिट जो की है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है कि कैसे पढ़ाई के स्टैंडर्ड को एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने सीपीएमजी क्लियर करके, जब मैंने एक होम्योपैथिक कॉलेज में इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब एडमिशन लिया, और जब मैं वहां पे गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए क्योंकि वो एक काउशेड था। वो कॉलेज जो था वो एक्चुअली एक काउशेड था, और उसमें गाय भैंसे वगैरह बंधी हुई थी, और जो उसकी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल खंडर टाइप की थी। तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मैंने ये कहाँ पे एडमिशन ले लिया, इसलिए क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी और मेरा प्राइवेट जो एमबीबीएस है कॉलेजेस उस समय गाजियाबाद में और देहरादून में थे, तो वहां पर भी मेरा एडमिशन हो सकता था। बीडीएस के सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा था, बट मैं एक मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, इस वजह से मैंने होम्योपैथी ऑप्ट किया। और उस समय जो मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे, वो उनके लिए होम्योपैथी जो थी वो एक सेकेंडरी ऑप्शन था, एक पार्ट टाइम का काम था, पार्ट टाइम की पढ़ाई थी। जो मेन वो काम कर रहे थे, वो कोई पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहा था, कोई जो है वो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, कोई परचून की दुकान चला रहा था, कोई कोई बिजनेस कर रहा था। तो मतलब इस तरह से पूरा का पूरा वो सिस्टम था, और उसमें आप सोच सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई हो रही होगी। बट अभी वैसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। बट यूजी लेवल पे मैं अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फर्स्ट ईयर में तो आके वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, और वो ज्यादातर बच्चे जो है वो चाहते हैं कि हम जा करके और दोबारा से कोचिंग करें और दोबारा से उसके लिए पढ़ाई करें। तो इसलिए एक एग्जिट एग्जाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो तैयारी करते रहते हैं और एग्जाम्स की, कि हमारा इसमें हो जाए, एमबीबीएस में हो जाए, बीडीएस में हो जाए, किसी भी तरह से होम्योपैथी ना पढ़ना पड़े। फिर वही बच्चे थर्ड ईयर में आकर के, फोर्थ ईयर में आकर के पास होकर के बीएचएमएस कर लेते हैं। तो इस वजह से एग्जिट एग्जाम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हेनमैन ने अकेले अपने दम पर होम्योपैथी को खड़ा किया था। तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नहीं, बल्कि क्वालिटी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जरूरत है, जिनसे कि मतलब जो होम्योपैथी को आगे बढ़ा सके। इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं, वो फिर आगे जाकर के वही क्वैक्स कहलाते हैं, और वही जो है वो किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने में जो है वो सक्षम नहीं होते हैं, या गलत दवाइयां देते हैं, गलत उनका प्रोग्नोसिस होता है, उनको मालूम नहीं होता है कि कब उनको पेशेंट को रेफर करना है हायर सेंटर में, कब जो है पेशेंट को ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, कब पेशेंट को डायलिसिस करवा लेना चाहिए। मैं अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। यहीं पे लखनऊ में ही मेरे मिलने वाले ही एक डॉक्टर हैं, उनके पास एक पेशेंट आया था, क्रिएटिनिन उस समय उसका 6 था, और उसके बाद उन डॉक्टर साहब ने उसको अपने सरकारी डिस्पेंसरी से, सरकारी उससे उसको प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद उस पेशेंट की वो इलाज करते गए करते गए, उन्होंने एक बार भी हमसे मतलब रेफर कर सकते थे या हमसे पूछ सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं। अगर किसी चीज के बारे में मुझे नहीं मालूम होता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने सीनियर से, अपने कोलीग से उसको डिस्कस करूं। और उस पेशेंट का क्रिएटिनिन 6 से 27 हो गया, और 27 होने के बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल में उनको रेफर किया, और तब उनका डायलिसिस हुआ। तो इम्प्रेशन एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, एक एलोपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्या इम्प्रेशन गया कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता है, इनको नहीं मालूम है कि केस को कैसे मैनेज किया जाता है और कब डायलिसिस करवा देना चाहिए था। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए है बिल्कुल भी।
और मैं अपने कॉलेज में देखती हूँ कि जो पीजी स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जाहिर है कि टफ एग्जाम को क्लियर करके ही वो वहां पर पहुंचे हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं उनके लिए एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट जो सबसे बड़ी समस्या आती है ओपीडी में वो ये आती है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यकीन ना हो कि जो बेसिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, एक न्यूरो का पेशेंट है और उसका बेसिक एग्जामिनेशन होना है, न्यूरोलॉजिकल जो एग्जाम उसका मतलब उसको जिस तरह से देखा जाता है वो पीजी के बच्चों को नहीं आता है। सिंपल केस टेकिंग नहीं आती है, सिंपल रिपर्टराइजेशन नहीं आता है। तो ये इस वजह से है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का तो जो कुछ है वो है, सबका क्लिनिक चल रहा है, ज्यादातर लोगों का कुछ जॉब्स में है, बट ये जो बच्चे हैं यूजी के हों चाहे वो पीजी के हों, ये फ्यूचर है होम्योपैथी का। तो हम लोगों को अब इस लेवल पर आकर के फ्यूचर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा इस पर एम्फोसिस दे रही है, आयुष के पूरे सिस्टम पर। और हम लोग उसके हिसाब से मतलब उसको बहुत अच्छे से इनकैश नहीं कर पा रहे हैं। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आयुष के लिए आते हैं वो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट एवर आई हैव सबमिटेड, मतलब ये जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग स्टडीज, वो भी एनसीएच और CCRH और मिनिस्ट्री में और पीएमओ में भी ये भी सबमिट करेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, आप में से जो भी टीचर्स हैं वो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है वो मेमोराइजिंग में आती है। मटेरियल मेडिकल किस तरह से याद की जाए, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे उसमें मेडिकल टर्म्स इस तरह के होते हैं कि जो बच्चे को पता नहीं होते हैं। अभी गूगल की वजह से फिर भी बहुत इजी हो गया है, वरना हमने अपने टाइम पर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने टेबल्स की डिक्शनरी हमें खरीदनी पड़ी थी, इसलिए क्योंकि ज्यादातर चीजें समझ में ही नहीं आती थी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या टर्म है, सब चीज पहले से ही पहली बार ही सुनी थी। दूसरी बात यह है कि एक यूजी में अंडरलाइन जो है एक आउटलाइन पैथोफिजियोलॉजी की जरूर होना चाहिए है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का तो चलिए ठीक है मेमोराइजिंग पे ज्यादा जोर होना चाहिए, बट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पैथोफिजियोलॉजी का आउटलाइन जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का तब तक हो चुका होता है। इस पर हमारे यहाँ बहुत ही कम बुक्स हैं, बहुत ही कम रीडिंग मटेरियल है और बहुत ही कम इस टॉपिक को टच किया जाता है। पैथोफिजियोलॉजी समझने से मेडिसिन को समझना बहुत आसान हो जाता है और उसके बाद मेमोराइजिंग भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तीसरी चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक डॉक्टर को, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की क्लिनिक को ज्वाइन कर लिया था। मैं कॉलेज के बाद थोड़ी देर उनके पास बैठती थी और संडेस को भी मैं उनके पास जाकर के बैठती थी सीखने के लिए, देखने के लिए कि वो कैसे डायग्नोज कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या कंसल्ट कर रहे हैं, कौन सी बुक देख रहे हैं, ये सब करने के लिए। फिर एक डॉक्टर हमारे जो टीचर थे डॉक्टर SM सिंह सर प्रयागराज के, उनकी ओपीडी में मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को आना या मतलब बैठना अलाउड नहीं था, बट फिर भी हम उस भीड़ में मतलब जिस दिन डॉक्टर SM सिंह सर की ओपीडी होती थी तो एक्चुअली मैक्सिमम लर्निंग उसी दिन होती थी, क्योंकि मेला लग जाता था, 100-150 पेशेंट्स होते थे, तो उसमें सीखने के लिए हम जाकर के किनारे कोने में पेशेंट्स के साथ ही खड़े हो जाते थे कि सर क्या पूछ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, बस वो हम लोग ऐसे ऐसे करके नोट कर लेते थे और बाद में आकर के पढ़ते थे कि इस बीमारी में इस दवाई का क्या रोल है, सर ने क्यों ये दिया है। तो वहां से बहुत सारी रेयर मेडिसिन जो है वो सीखने को मिली। उसके बाद बाय द टाइम फोर्थ ईयर हुआ तो हमको काफी कुछ आ गया था और हमने अपनी भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत दवाई देना घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को देना शुरू कर दिया था।
जो मेरा सपना था कि होम्योपैथी को आगे लेकर के जाना है और होम्योपैथी को जो है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ना कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरह जो लेबल किया जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने डॉक्टर गिरीश गुप्ता जो कि लखनऊ में है उनको ज्वाइन किया, उनसे रिसर्च के बारे में सीखने के लिए, और डेटा और एविडेंस, कैसे एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एविडेंस को रखते हैं और कैसे फिर उसका यूज करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, फाइब्रॉइड था, सिस्ट था, रीनल फेलियर था, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी। तो फिर और वहां पर ही हमने ये रियलाइज किया कि रीनल फेलियर की जो समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या है, और तब से ही इंटर्नशिप में मैंने उनको ज्वाइन किया था और तब से ही हम उस पर ही काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर सर के यहाँ ही कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर अपना क्लिनिक खोला, और उसके बाद फिर एकेडमिक्स में आए। वहां पर डॉक्टर गिरीश गुप्ता के यहाँ बहुत ही अच्छा ये सिस्टम था कि एक डॉक्टर सेपरेट होता था केस टेकिंग के लिए, वो बहुत ही डिटेल में पूरी केस टेकिंग करता था। फिर एक दूसरा डॉक्टर होता था वो उसमें से सिम्टम्स को एनालाइज करता था और उसके बाद उसको रिपोर्टराइज करता था, और फिर सर हम लोगों से डिस्कस करने के बाद दवाई लिखते थे। तो ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है अनलेस एंड अंटिल कि आपके पास कई सारे असिस्टेंट्स हों या स्टूडेंट्स हों जो आपसे सीख रहे हों, तो आप डिजिग्नेट कर सकते हैं कि ठीक है तुम केस टेकिंग कर लो, तुम रिपोर्टराइजेशन कर लो और हम दवाई दे देंगे। बट ऐसा मेडिकल कॉलेजेस में कायदे से यही होना ही चाहिए है कि सारे के सारे जो पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो कि डॉक्यूमेंट हो सकते हैं केसेस, जैसे कि रीनल स्टोन का केस है, जैसे कि लिवर सिरोसिस का केस है, सिस्ट का है, फाइब्रॉइड का है, जिसमें कि हमारे पास एविडेंस होता है, तो उसको हम लोगों को इसी तरह से मैनेज करना चाहिए है कि केस टेकिंग होना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए है। और ये यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने मुझे लगता है कि 5 से 7 हजार केसेस पूरे अपने 4 इयर्स के पढ़ाई में और उसके बाद इंटर्नशिप में एटलीस्ट 5 to 7 thousand केसेस मैंने देखे होंगे, और हर बार ऑलमोस्ट रिपर्टरी उठा के देखनी पड़ती थी। सारी चीजें जब तक कि मैं इंटर्नशिप को कंप्लीट करके जब प्रैक्टिस में आई तो मुझे ज्यादातर चीजें याद थी, और उसके बाद मतलब बुक्स को रिफर नहीं करना पड़ता था, पेशेंट से ही 8 10 20 सवाल पूछे, 5 7 मिनट या 10 मिनट का टाइम दिया और एक अच्छी सिमिलिमम जो है वो सिलेक्ट हो जाती थी। और सिमिलिमम का जो इफेक्ट है मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल जादू की तरह होता है, मतलब जिस केस में जो सिमिलिमम है वो अगर सिलेक्ट हो गई और आपने कुछ और नहीं भी दिया, मैंने रीनल फेलियर के केसेस में ऐसा देखा है, मैंने लिवर सिरोसिस के केसेस में ऐसा देखा है, लंग कैंसर का एक केस मैं आपको आप सबको बताना चाहूंगी कि पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में था और वो फॉरेन में रहते हैं, हम कभी उनसे मिले नहीं है, हमने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ किसी ने रिपोर्ट्स बताई तो उन्होंने भेज दिया हमारे पास, और उसके बाद ये बता दिया कि डॉक्टर्स ने वहां पे मना कर दिया है उस कंट्री में कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब इनको बस घर ले जाइए और जाकर के सेवा करिए इनकी। और फिर पेशेंट की को रिपोर्टराइज किया, जब मैंने मतलब रिपोर्टराइज एक्चुअली नहीं किया, खाली सिम्टम्स लिए और जब इवेलुएट किया तो मुझे जो मेडिसिन सबसे सही लगी वो आर्सेनिक सल्फ्लेवम थी। वो मैंने 30 में पेशेंट को व्हाट्सएप पे बताया कि आप वो देना स्टार्ट कर दीजिए। वो दिन है, करीब 1.5 साल हो गया है वो दिन है, और आज का दिन है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स थी वो बहुत कम हो गई हैं, और यहाँ तक कि कैंसर का जो मास का साइज था जो कि काफी बड़ा था, एक टेनिस बॉल के बराबर था, उसमें भी रिडक्शन आया है। वो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने मतलब रिपोर्ट्स वो फॉलो अप नहीं करवा रहे हैं, बट जो इनिशियल था और जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट है उसमें फर्क आया है। तो ये होता है सिमिलिमम का जो कहेंगे कि जादू, बिल्कुल मैजिक की तरह, कोई भी बीमारी हो एक्स वाई जेड सब में बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। जैसे कि मैं बताना यहाँ पे चाहूंगी कि ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो पेशेंट्स रीनल फेलियर के आते हैं जिनको कि ऑटो इम्यून कारण से जिनका की किडनी खराब होती है, उसमें सिमिलम का ही सिर्फ रोल रहता है, बाकी आप ईल सीरम दे दो, यूरिया दे दो, एपोसाइना, मेपिस जो चाहे दे दो, कुछ भी नहीं होता है, क्रिएटिनिन थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। मैंने जो देखा है कि सिमिलम जहां पर दी, जैसे ही दी
वैसे ही पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है, या तो उसको लूज मोशंस आते हैं, या इरप्शंस होते हैं, या किसी तरह की खुजली होना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई इस तरह का सिम्टम होता है। अगर वो पेशेंट सप्रेस कर देता है तो फिर से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और अगर वो पेशेंट सप्रेस नहीं करता है, पेशेंट हमें सीधे कॉन्टैक्ट कर लेता है और हम उसको मना कर देते हैं, रोक देते हैं, तो डेफिनेटली क्रिएटिनिन के लेवल में इम्प्रूवमेंट होता है, और वो भी जो सिम्टम उभरा होता है वो भी अपने आप से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको अगर ऑटो इम्यून, स्पेशली ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं, अगर उनको ठीक करना है तो सिमिलमम ही निकालनी पड़ती है। देन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यूजी इज इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। वो भी बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को नहीं आता है ये चीज, तो एक्चुअली ओपीडी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे हर रोज कम से कम एक केस या दो केस इस तरह के जरूर करें। 2-3 घंटा जो करिकुलम होता है उसमें ओपीडी का भी, ओपीडी में भी क्लासेस का वो है, तो उसमें कम से कम एक केस या दो केस हर रोज पेशेंट्स को करना चाहिए। एक केस मैं और बताना चाहूंगी कि अभी आईआईटी कानपुर में एक पेशेंट हैं, उनको 2 साल से बहुत बहुत ज्यादा खांसी आ रही, सारी चीजें वो कर चुकी, सारा ट्रीटमेंट हो चुका उनका, और उसके बाद भी कुछ रिलीफ नहीं हो रहा था। तो उनके बेटे ने मुझे कांटेक्ट किया और हमने वही ओपीडी में ही, अपने कॉलेज के ओपीडी में लाया, वहीं पे देखा, और यूजी स्टूडेंट से बोला कि आप लोग इनका पहले डिटेल में केस चेकिंग करिए। हालांकि सिर्फ सिंपल खांसी थी, ब्राइनिया भी दे सकते थे, स्पॉन्जिया भी दे सकते थे, बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें होगा, और इसलिए उनको बोला केस चेकिंग करने के लिए। बच्चे जो है वो आधा घंटा 45 मिनट तक बहुत उन्होंने उनके साथ स्ट्रगल किया, फिर बताया कि बहुत इरिटेबल हैं और कुछ एलिमेंट्स थे वैसे, तो फिर कुल मिलाकर के बच्चों ने सजेस्ट किया कि स्टेफसिग्रिया लग रही है और वो देनी चाहिए है, और स्टेफसिग्रिया दी, और एक हफ्ते के अंदर उनके बेटे का फोन आया कि खांसी तो 50% रिड्यूस ही है, बाकी मम्मी जो घर में हर वक्त लड़ती रहती थी, हर वक्त डांटती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, गुस्सा होती रहती थी, वो बिल्कुल मैजिकली सही हो गया है। वो बिल्कुल उनका नेचर जो है, हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी इस बात की, वो बिल्कुल काम डाउन हो गई हैं, और अभी 2-3 महीने हो गए हैं, तो वो जो उनका बेटा है वो उसने बताया कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये हमारी मम्मी है, वरना हर वक्त हमारे घर में चीखना चिल्लाना कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था। तो ये नहीं निकल सकता है अगर प्रॉपर केस टेकिंग नहीं हो, प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो, प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन नहीं हो, एंड ये बाद में प्रैक्टिस में भले ही ना हो, इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस सब लोग करते हैं प्राइवेट अपनी क्लिनिक्स में उसमें ना हो, बट फिर भी कॉलेजेस में ये डेफिनेटली जरूर होना चाहिए है। एंड मियाज्म एनालिसिस, कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ मियाज्म के बेसिस पर, मियाज्मेटिक एनालिसिस करके जो दवाई दी गई है उससे ही पेशेंट को रिलीफ हो गया है, उससे ही पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम हो गया है। सो देन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, द सेकेंड टॉपिक इज द फॉर पीजी स्टडीज। पीजी स्टूडेंट्स को चूंकि वो यूजी का, ये अज्यूम किया जाता है कि उनको यूजी का सब कुछ आता है, जो यूजी में जितना भी पढ़ाया गया है बीएचएमएस में वो सारा का सारा कोर्स उनको आता है, तो अब नेक्स्ट लेवल आता है कि उनको, पेशेंट को किंगडम है, सब किंगडम है, ग्रुप है, फैमिली है, उसके बेसिस पर उनको आना चाहिए पेशेंट को आइडेंटिफाई करना कि ये पेशेंट किस किंगडम को बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को, मिनरल किंगडम को, फिर उसमें से भी मिनरल किंगडम में से भी कौन सा एलिमेंट है या कौन सा मिनरल है जिसमें कि जो दवाई उसको दी जा सकती है। तो ये जो एनालिसिस है ये पीजी लेवल पर आ जाना चाहिए है सारे के सारे पीजी स्टूडेंट्स को। देन द सेकेंड थिंग इज मियाजमेटिक एनालिसिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये यूजी और पीजी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज एक्सट्रीमली लैकिंग। व्हाट आई हैव सीन कि ये इसमें बहुत ज्यादा कमी है, अभी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। उसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये कैसे एसोसिएटेड है मटीरिया मेडिका से, कैसे इसका एसोसिएशन है ऑर्गेनॉन से, द पीजी स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू दैट। देन अप्रोच ऑफ डिफरेंट मटेरिया मेडिका एंड अप्रोच ऑफ डिफरेंट रिपर्टरीज,
कब कौन सी रिपर्टरी देखनी है और कब कौन सी मटीरिया मेडिका उठा के देखनी है, कब केंशियन मटीरिया मेडिका आएगी, कब बोरेट आएगी, कब एलेंस आएगी। तो एक पीजी स्टूडेंट को ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए है कि इस पेशेंट के लिए हमको कौन सी मटीरिया मेडिका रेफर करनी चाहिए। देन नियाज्म है, इम्यूलॉजी है, मतलब ये सारी जो चीजें जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं एक्चुअली उन पर बहुत ज्यादा काम भी होने की जरूरत है और पीजी के स्टूडेंट्स को वो पढ़ाए जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड इज स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने एक केस को आपको मतलब रेफर किया कि रीनल फेलियर का केस था और 6 से 13 27 हो गया था, और इस बात पे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स एक्चुअली अग्री नहीं करते कि स्पेशलाइजेशन की क्या जरूरत है। बट कोई भी क्रॉनिक केस अगर आपको मैनेज करना है तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको सिमिलम आता है निकालना, ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर दवाई दे रहे हो या थेरेप्यूटिक बेसिस पे दवाई दे रहे हो या पैथोलॉजिकल बेसिस पे दे रहे हो, बट जो मैनेजमेंट है वो स्पेशलाइजेशन के बाद ही आएगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर बहुत अध्ययन किया है, उस पर बहुत पढ़ाई की है और उसके बारे में आपने बहुत जानकारी इकट्ठी की है, और उसके अलावा उसके आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्रॉनिक बीमारी को मैनेज करने के लिए। जैसे कि मैं अक्सर इस टॉपिक पर जब भी मैंने किसी कॉलेज में वर्कशॉप वगैरह ली है तो मैं पूछ लेती हूँ कि टीपीओ के बारे में कितने लोग जानते हैं, तो ज्यादातर लोग नहीं जानते इसलिए क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट अक्सर ऐसा होता है कि टीएसएच जैसे मोर देन 20 है, मोर देन 50 है, मोर देन 100 है या मोर देन 150 है, और आप उसमें टीपीओ करवाइए तो टीपीओ हमेशा रेज रहता है, एंटी टीपीओ जिसको बोलते हैं। तो जब तक कि आप उसको भी फोकस नहीं करेंगे आप टीएसएच को कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर एक डॉक्टर की अपनी कुछ स्पेशलिटी हो। वी कैन नॉट, मतलब हम लोगों का बहुत मजाक उड़ता है, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, कि एक ही डॉक्टर जो है वो गायनी भी देखता है, एक ही डॉक्टर पीडियाट्रिक्स भी देख लेता है, एक ही डॉक्टर जीडियाट्रिक्स भी देख लेता है और वो रीनल फेलियर भी सही कर रहा है और वो फाइब्रॉइड भी ठीक कर रहा है। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। ये चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। हम ये चाहते हैं कि हम सारे पेशेंट्स देख लें, एक भी पेशेंट इधर से हमारा लूज ना होने पाए, जबकि एलोपैथिक में ऐसा नहीं होता है। उनको एक सिंपल आई ड्रॉप भी देना होता है तो वो ऑफ्थाल्मो के पास भेजते हैं और वो उसको एग्जामिन करता है और तब वो अपनी ओपिनियन देता है और तब वो आई ड्रॉप जो है वो लिखता है। तो बल्कि हमारे यहाँ मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम सारे के सारे पेशेंट देख लें। दिस इज हाई टाइम कि जब हमको पेशेंट्स को रेफर करना चाहिए है, जो भी गायनी के लिए अच्छे देख रहे हैं, जो भी पीडियाट्रिक्स में देख रहे हैं, उनके पास रेफर कर देना चाहिए कि नहीं ठीक है हम इस चीज को इस चीज के डॉक्टर हैं, आप उनको इस प्रॉब्लम के लिए आप उनको दिखा लीजिए। तो स्पेशलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो डेटा का होगा। आप अगर 50 बीमारियों को ठीक करें तो आप 50 बीमारियों का डेटा नहीं रख पाएंगे, बट अगर आप मान लीजिए कि रीनल स्टोन्स पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा कि रीनल स्टोन्स के सारे पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा करना, उनकी रिपोर्ट्स, प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स को इकट्ठा करना। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास डेटा होगा तभी आप उसको पब्लिश कर पाएंगे। हमारे लिए जो होम्योपैथी की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारा पब्लिकेशन बहुत कम है। केस स्टडीज, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स तो बहुत ही कम है। तो हर एक मेडिकल कॉलेज में से कम साल के, जैसे केजीएमसी है उसमें से 50 मेडिकल पेपर्स निकलते हैं हर साल, और जबकि एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है वहां से बहुत ही कम पब्लिश होती है, केस स्टडीज हो चाहे वो रिसर्च पेपर्स हो। तो इंडिविजुअल कोई अपने आप से तो नहीं रिसर्च पेपर शायद पब्लिश कर पाए, बहुत बड़ा मतलब 20 25 30 50 100 का तो कर सकते हैं, बट
उससे ज्यादा का नहीं कर सकते, बट मेडिकल कॉलेजेस के पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जिससे कि एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया जा सके। दूसरा जो फायदा है स्पेशलाइजेशन का, कि अगर आपने 100, 200, 500 पेशेंट्स देख लिए एक बीमारी के, तो यू विल लर्न टू हाउ टू मैनेज। रीनल स्टोन का पेन हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, क्या देना है, पेशेंट को कब हॉस्पिटल भेजना है, कब नहीं भेजना है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल इफ यू स्पेशलाइज, इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग स्पेसिफिक इलनेसेस। देन इसी से जैसे कि एलोपैथिक जो मतलब फील्ड है उसमें 50 सब्जेक्ट से ज्यादा में स्पेशलाइजेशन होता है। ऑन द अदर हैंड हम अभी बहुत सारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बट हमारे यहाँ पीजी के लिए सिर्फ 6-8 सब्जेक्ट्स ही हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए इसमें और सब्जेक्ट्स में जैसे स्किन में बहुत अच्छा रोल है, डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छा रोल है, वेटनरी में बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का, नेफ्रोलॉजी में तो मतलब मुझे लगता है कि एलोपैथिक में कुछ है ही नहीं मॉडर्न मेडिसिन में एक्सेप्ट फॉर सर्जरी एंड डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, तो उसमें बहुत ही अच्छा। लिवर सिरोसिस है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, जॉन्डिस है, तो उन सब चीजों में बहुत ही अच्छा रोल है। और इन सब में हम तब तक सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा नहीं हो, अप्रोप्रिएट स्टडीज नहीं हो। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ न्यू बुक्स बहुत ज्यादा जरूरत है, पब्लिकेशंस की, नई किताबें, अच्छी किताबें जो कि मॉडर्न मेडिसिन से के मैच की हो, एट पार विद मॉडर्न मेडिसिन हो, उस तरह की किताबों को पब्लिश होने के लिए। तो ये सारा तभी हो पाएगा जब व्हेन यू फोकस ऑन वन और टू डिजीज और वन ऑर्गन। नाउ हाउ टू बी अ स्पेशलिस्ट, अब कोई स्पेशलिस्ट कैसे बन सकता है? फर्स्टली तो एक कोई बीमारी या एक कोई ऑर्गन चूज करके, देन सेकेंडली उसके रिपीटेडली उसके पेशेंट्स देख करके, थर्डली केस टेकिंग, उसकी एग्जॉस्टिव केस टेकिंग करके। जब आप एक पर्टिकुलर बीमारी की एग्जॉस्टिव केस टेकिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें साइन और सिम्टम्स ऐसे मिलेंगे जो कि बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, वो एक्सपीरियंस से आता है। ऑलराइट, देन इवैल्यूएशन उसका फिर करके, जो भी आपने केस टेकिंग की है उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, उसके बाद जो है वो प्रिस्क्राइबिंग जो होगा आपको तब समझ में आएगा कि इस बीमारी में ज्यादा सक्सेसफुल एग्जॉस्टिव केस टेकिंग है कि कीनोट प्रिस्क्राइबिंग है या पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग है। और जब आप ये सारा कर लेंगे और आप अपना डेटा जो है वो पब्लिश करेंगे, तो फिर बाकी जो आने वाली जनरेशन है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, तब उनको फायदा होगा। देन इज व्हेन दे'ल बी एबल टू दे'ल बी हेल्प। सो अभी हम यहाँ पर यूपी में लखनऊ, अलाहाबाद और कानपुर तीन सिटीज हैं जहाँ पे कि पीजी ऑलरेडी चल रहा है। तो हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके साथ कुछ चीजों में जहाँ की होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है उसमें कोलैबोरेटिव स्टडीज के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। और उसमें क्या होगा कि जैसे कॉमन जो पेशेंट्स जिसमें कि एलोपैथिक में रोल नहीं है या एलोपैथिक अफोर्ड नहीं कर सकता पेशेंट, दे विल बी रेफर टू अ होम्योपैथिक हॉस्पिटल। एंड यहाँ पर जब पेशेंट आएगा तो फिर स्टूडेंट्स उसकी केस टेकिंग और पूरा एनालिसिस और पूरा रिकॉर्ड कीपिंग और सारा सब कुछ करेंगे। एंड देन इन अ ईयर और टू ईयर वी कैन कम अप विथ रिसर्च पेपर्स। सो दिस इज द प्लानिंग, दिस इज समथिंग मैंने ऑलरेडी जो डायरेक्टर होम्योपैथी हैं और जो प्रमुख सचिव होम्योपैथी हैं उनसे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और दूसरा मेरा एक सजेशन है, चूंकि हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पेशेंट बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस। जैसे आप KGMC चले जाइए या PGI चले जाइए तो वहां पे ऐसा लगता है हमेशा 24 घंटे ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है। वैसा मेला NIH में होता है, NIH कोलकाता में, बट वैसा मैंने कहीं और नहीं देखा है कि होम्योपैथिक कॉलेजेस में बहुत ज्यादा भीड़ हो। तो उसके लिए एक सजेशन ये भी है कि दीज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस कैन बी
मतलब डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ प्रिवेंशन। उसमें क्या होता है, चूंकि मैं एक एनजीओ भी चला रही हूँ पिछले कई साल से, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है एक्स वाई जी या कोई भी आता है, तो हम उसका फ्री ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ब्लड शुगर, और उसके अलावा उसको सर से पैर तक एग्जामिन करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको स्प्लीनोमेगैली है, या उसको पीडल एडिमा हो रहा है, या उसको कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है, या उसको डायबिटीज है, या उसको ब्लड प्रेशर रह रहा है। तो पेशेंट इस बात से बहुत इंप्रेस हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने या इस क्लिनिक में ये नई बीमारी हमारी ढूंढ निकाली, फिर वो आपके पास ही आएगा मैनेजमेंट के लिए, आप ही के पास, आप ही से बोलेगा कि हेलो। फोन मत करो, हम मीटिंग में हैं। अस्मत थायराइड I'm sorry. That's okay. Yeah. So, ये centers of prevention, अगर ये homeopathic colleges में होने लगे after like OPD timings, कि 2 बजे के बाद मतलब थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, या admissions IPD कम अगर rush रहता है, तो they can start screening all the patients above 50 years or 45 years and you will find amazing benefits of that. मतलब पेशेंट का तो फायदा होगा ही होगा कि बट आपके यहाँ भी पेशेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग। यहाँ पे एक लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल है, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब ये वहां पर इम्प्लीमेंट हुआ था। सो जब हमारे पास पेशेंट ज्यादा होंगे तो ही हम अपने अपना रोल जस्टिफाई कर पाएंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, हम किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की जो हेल्थ है उसमें, या देश के जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी न्यूज एक्स जो टीवी चैनल है उसमें एक डिबेट में मैं इनवाइटेड थी, देन आल्सो आई हैड पॉइंटेड दिस आउट, वहां पर भी मैंने ये बात रखी कि जिस तरह से कोविड को हम लोगों ने मैनेज किया, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसमें अगर आयुष सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर देंगे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत ब्रशअप होगा, बट अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर जो एक बहुत ही रेशियो, जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है जो कि बहुत खराब है, 0.9% है इंडिया में, और कतार में इट इज 70%, सो वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। देन आई एम राइटिंग अ बुक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन होम्योपैथी, उसका नाम है होम्योप्रेन्योर, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल होम्योप्रेन्योर। क्योंकि जब एक कोई भी आता है होम्योपैथी में तो उसका सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, हमारा हम अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, हम कैसे पैसे कमा पाएंगे। सो ये बुक उसके बारे में है। देन सेकेंड बुक जो है वो मेंटोरशिप पे मैं लिख रही हूँ, अभी वो उस पर काम चल रहा है। सो मेंटोरशिप का, मेंटोर का और मेंटी का मतलब ये होता है कि एक मेंटोर होता है जो कि एक जूनियर को गाइड करता है, तो इसमें हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि जिसमें हम जूनियर डॉक्टर्स को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कनेक्ट करेंगे सीनियर्स प्रैक्टिशनर्स के साथ, जिनके के पास टाइम नहीं होता है केस टेकिंग का और रिपोर्टराइजेशन का। सो ये जो केसेस हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सभी के पास होते होंगे, कि जो नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट्स हैं या जिनमें लगता है कि और अच्छी दवाई सिलेक्ट हो सकती है, तो इस केस को आप जूनियर डॉक्टर को दे सकते हैं और वो आपके लिए पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा रिपोर्टराइजेशन करेंगे और आपको एक सिमिलिमम जो है वो सजेस्ट कर देंगे, और उसको आप फिर अपना एनालिसिस पूरा पढ़ करके और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट होगा या जो जूनियर होगा उसका फायदा ये होगा कि दिस विल बी अगेंस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी,
और दूसरी बात ये कि वो सीनियर डॉक्टर से गाइड भी होगा, तो जिनके पास गाइड्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अच्छा गाइड, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सीनियर ढूंढते ही रह जाते हैं और उनको नहीं मिलता है। स्पेशली अगर कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी में जैसे कि स्पेशलाइज करना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइप जो डॉक्टर है उससे सीधे टच में आ सकता है। सो दिस बुक इज अबाउट मेंटोरशिप। देन एक तीसरी बुक हम लिख रहे हैं, उसमें पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है उसके बारे में, और मेमोराइजिंग को इजी कैसे बनाया जाए उसके बारे में है। एंड वी आर स्टार्टिंग अ डिप्लोमा कोर्स इन होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजी, तो वो भी कुछ दिनों में डिजाइन हो रहा है, और जो एलोपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो भी इसमें साथ में काम कर रहे हैं, और कुछ दिनों में वो आ जाएगा। तो 6-8 महीने का वो कोर्स होगा, बट इसको करने के बाद एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा वो कॉन्फिडेंटली नेफ्रो के केसेस डील कर पाएगा। देन एक केस है, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को रिपोर्ट्स नहीं दिखा सकती, तो ये इसमें जो सीटी स्कोर था, कोविड का केस है, सीटी स्कोर इसमें 22/25 था, जो कि बहुत ज्यादा था, 8 मई को 2021 को। और इसमें हमने जो है, हमारे साथ उस समय हम सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो मैंने उन सारे बच्चों को जूम के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू सबको लिंक कर रखा था, और जो भी इस तरह के केसेस आते थे, बहुत सारे लोग हेल्प मांगते थे उस समय, और मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकती थी, तो मैं सारे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको वो केसेस डिवाइड करके दे देती थी, और उसके बाद बच्चे उनको डील करते थे, और बच्चे फिर सजेस्ट करते थे कि इनके अंदर ये मेडिसिन लग रही है, इनके लिए ये मेडिसिन लग रही है। तो ये भी एक ऐसा ही केस था, और इसमें क्या हुआ कि जो बाकी कोई सिम्टम्स मिल नहीं रहे थे और पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी उनको, कोई हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो उनको हमने इस बेसिस पे इग्नेशिया दी थी कि कुछ दिन पहले उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, उससे वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में थी, और एस्पिडोस्परमा भी बता दिया था, अलीगढ़ में थी, व्हाट्सएप कर दिया था उनको दवाई। तो द मोमेंट शी टुक इग्नेशिया, जैसे ही उन्होंने इग्नेशिया लेना शुरू किया, उन्होंने बताया कि वैसे ही 24 घंटे के अंदर ही उनका मैसेज आ गया कि हमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है, और एस्पिडोस्परमा की उस समय बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, सारी दुकानों से एस्पिडोस्परमा गायब हो गई थी, तो उन्होंने कुछ दिन तक तो इग्नेशिया से ही लिया, और उसी से उनको बहुत तकलीफ हो गया, और 26 मई 2021 का जो उनका दूसरा सीटी स्कैन है उसमें जो 22 था सीटी स्कोर, वो घट के 13 आ गया था, एंड द पेशेंट इज अलाइव इवन टिल टुडे, और बहुत ही ज्यादा उनको रिलीफ है। और ये हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स की इस तरह से हेल्प करी थी, मैं अगर अकेले चाहती तो मैं नहीं कर सकती थी, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस वजह से हमने हजारों लोगों की हेल्प करी, और इसकी वजह से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की एक संस्था है, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से अवार्ड किया था, विच इज ग्रेट फॉर होम्योपैथी। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के अवार्ड्स हैं, रिकग्निशन हैं, वो किसी को भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, एंड होम्योपैथी एंड होम्योपैथ्स कैन डू वंडर्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। स्क्रीनिंग में तो सिर्फ हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और ये सारी चीजें मतलब चेक कर रहे हैं। अब आपके पास मान लीजिए कोई रिक्शे वाला आया, या कोई आपका सामान लेकर के कोई वेंडर आया, और आप उसका बीपी देख लें, आप उसका शुगर देख लें, तो वो बहुत स्पेशल फील करता है कि हमें मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, चाहे उसको जल्दी भी हो रही होती ना, तो भी वो रुक जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको जरूर वो टाइम देंगे कि नहीं नहीं आपको जो करना है और भी कर लो। तो हम उतने टाइम में मतलब ये हम करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, इसलिए हमने ये शेयर किया कि आप सब अपनी प्रैक्टिस में अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे हुए जिनका 400 का शुगर, और उनको पता ही नहीं था, एक भी सिम्टम नहीं था। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका ब्लड प्रेशर 250/150 था, उसको कोई सिम्टम नहीं था, उसका क्रिएटिनिन 23 था। बस मेरा यही कहना है इतना सा कि अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है, मान लीजिए कि आपके पास स्टाफ है और टाइम है, और आप स्क्रीन कर लें रैंडम पेशेंट्स को भी, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी, होम्योपैथी।